लावा अग्नि 2 इसे इस्तेमाल करते हुए मुझे काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। अब ये फोन देखिए लॉन्ग रन में कितना ज्यादा चलने वाला है। यहाँ मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि भाई ये फोन एक्सपीरियंस कैसा रहा नहीं रहा, लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं है उसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे कि लावा अग्नि 2 कितना लंबा समय तक आपका साथ देगा। देखिए जो जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है वो सारी चीजें आपके सामने ला करके यहाँ क्लियर कट में रखने वाला हूँ बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो सबसे पहली चीज देखिए, अगर एक बढ़िया फोन ढूंढ रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का बिल्ड एंड डिजाइन ढूंढ रहा है, लावा अग्नि 2 के अंदर वो चीज आपको मिलने वाला है। इन हैंड फील, पीछे ग्लास, आगे भी डिस्प्ले, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया इन हैंड फील है। स्कॉट सेंसेशन का यहाँ पर आपको मिल जाता है। फ्रंट में प्रोटेक्शन कहीं पर भी बताया नहीं गया, बट इट इज ऑल अबाउट, हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च यहाँ पर बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद ये चीज पता चली कि स्कॉट सेंसेशन का वहाँ पे मिलता है। इसका कितना पुख्ता सबूत है ये मैं बता नहीं पाऊंगा। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज लावा अग्नि 2 इज अ गुड फोन और इन हैंड फील वगैरह भी काफी बढ़िया आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर के, क्योंकि ये जो चीज है ना आपको समझना होगा बहुत ही परफेक्टली और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज देखिए, डिस्प्ले के अंदर जो ब्राइटनेस वाला इशू था वो ब्राइटनेस वाले इशू में यहाँ पर साफ बताया जा रहा था कि भाई यहाँ पे ब्राइटनेस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जो कि एक अपडेट पुश किया गया और अपडेट के बाद भी ब्राइटनेस का सेम इशू है और इस अपडेट को पुश करे हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी ये सेम प्रॉब्लम लावा अग्नि 2 के अंदर अभी भी देखने को मिलती है। तो बात क्या निकल के आता है, निचोड़ ये निकल करके आता है कि ब्राइटनेस वाला इशू अभी भी है, पहले भी था और अभी भी है। सेम कंडीशन, पहले एक्सट्रीम था अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है बट फिर भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। अब लंबी रेस की घोड़े की बात कर लेते हैं कि कितना लंबा ये चलेगा और कैसा ये आपको लंबे समय तक आपको साथ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ब्रांड ने यहाँ पर ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम यहाँ पर आपको मेजर अपग्रेड्स वगैरह देंगे। वन ईयर का आपको यहाँ पे सीधा रिप्लेसमेंट ब्रांड बोल रही है कि किसी भी तरह का फोन में अगर फॉल्ट आता है तो हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, मतलब सीधा रिप्लेसमेंट, जो कि सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है लावा अग्नि 2 का। और डेफिनेटली यहाँ पर जो डिस्प्ले जो इसके अंदर मिलता है, देखिए मैंने बहुत सारे फोन्स यहाँ पर अनबॉक्स किए हैं, एक्सपीरियंसेस किए हैं और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताने जाऊँ, यू नो लाइक 95% मैं बोल सकता हूँ आपको कि लावा अग्नि 2 के अंदर जो डिस्प्ले मिलता है ये सेम वैसा ही डिस्प्ले की क्वालिटी मिलती है जो आपको Vivo V27 Pro के अंदर मिलती है। मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी सुपर्ब, बहुत ही ज्यादा बूस्टेड कलर्स, ब्राइटनेस 950 निट्स का आपको यहाँ पे मिलता है पीक ब्राइटनेस, जो कि आपका एक व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन करने वाला है। और ओवरऑल वीडियो क्वालिटी और अगर हम ब्राइटनेस और डिस्प्ले कंप्लीट पैकेज देखने जाए तो देखिए सैचुरेशन साइड एक टेक्निकल टर्म हो गया बट मजा आएगा आपको यहाँ पर वीडियोस वगैरह देखने में, कलर्स वगैरह बूस्टेड आते हैं, काफी बढ़िया आपको लगने वाला है। तो डिस्प्ले से मुझे किसी भी तरह की शिकायत नहीं है लेकिन आई थिंक ब्राइटनेस वाला इशू अभी भी है और ब्रांड को यहाँ पे जल्दी फिक्स करना चाहिए। कमिंग टू द कनेक्टिविटी पार्ट, कनेक्टिविटी पार्ट में यहाँ पे सेल्युलर कनेक्टिविटी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 5G वगैरह अच्छा चल रहा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, काफी बढ़िया यहाँ पे जियो के अंदर मुझे 5G वगैरह मिल गया, एयरटेल के अंदर भी मिल गया, काफी बढ़िया कनेक्टिविटी है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ देखने को मिली वो था वाईफाई के अंदर। तो वाईफाई की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जो घर है यहाँ पर मेरा वाईफाई एक कमरे में मेरा राउटर रखा हुआ है, अब यहाँ से फोन लेकर के अगर मैं अपने डाइनिंग हॉल चला जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और नहीं भी है। क्योंकि वाईफाई अगर घर के अंदर वैसा तो दिक्कत नहीं आता है कि कनेक्शंस मतलब कट जा रहे हैं, बट यहाँ सिग्नल्स अचानक से डाउन हो जाता है, जबकि मेरे दूसरे हैंडसेट्स वगैरह में ऐसी मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, जो कि मुझे लगता है वाईफाई के अंदर कोई अपडेट्स वगैरह यहाँ पे पुश करने पर शायद बेहतर हो सकता है। कमिंग टू द बैटरी पार्ट, अब बैटरी सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। 4700 mAh का बैटरी आपको लावा अग्नि 2 के अंदर मिलता है। अब ये जो बैटरी है दिस इज रियली ग्रेट, 4700 mAh के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो लावा अग्नि 2 यहाँ पर आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप देने वाला है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त आपको मिलने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, डायमेंसिटी 7050 जो इसके अंदर चिपसेट दिया गया है वो भी यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइज्ड है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। अब ख्याल आएगा परफॉर्मेंस को लेकर के कि प्रोसेसर गेमर्स के लिए कैसा रहेगा, लावा अग्नि 2 लेते हैं तो गेमर गेमिंग जो खेलना पसंद करते हैं उनके लिए कितना बढ़िया रहने वाला है। तो लावा अग्नि 2 के अंदर देखिए गेमिंग आप यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल यहाँ पर उम्मीद मत कीजिए, यहाँ पर आपको गेमिंग नॉर्मल टू मॉडरेट यूजर अगर हैं आप, गेमर हैं, तो उस केस में आपको लावा अग्नि 2 निराश नहीं करेगा। लेकिन अगेन वार्म फील होता है, मतलब फोन यहाँ पर अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल कीजिएगा तो लावा अग्नि 2 वार्म होता है और उसके बाद कॉल्स वगैरह लीजिएगा, फोन को जब कान पे लगाइएगा तो डेफिनेटली आपको वार्म फील होगा।
तो गेमिंग भी ठीक ठाक निकाल करके दे देता है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क कीजिएगा तो आपको यहाँ थोड़ा लैग से जिटर्स देखने को मिलेगा लावा अग्नि 2 के अंदर में, लेकिन एक्सट्रीम हैवी टास्क जब कीजिएगा तब ये चीज़ प्रॉब्लम आएगी। और डेफिनेटली 20-22 हज़ार के फ़ोन में हम ये चीज़ उम्मीद नहीं करेंगे कि हम एक्सट्रीम टास्क यहाँ पर करें। उसके हिसाब से यहाँ परफॉर्मेंस प्रोसेसर आपको काफ़ी तगड़ा निकाल करके देता है और बैटरी बैकअप भी आपको सुपर्ब मिलने वाला है लावा अग्नि 2 के अंदर में। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोन को चार्ज होने में कितना समय लगता है। 0 to 100% रफली 50 मिनट्स जितना लगेगा। इसके अंदर आपको मिलता है 66 वॉट का आपको चार्जर मिलता है जो कि आपको 50 मिनट्स में 0 to 100% कर देता है। बैटरी में एक जो मुझे यहाँ डाउनफॉल लगा वो डाउनफॉल मैंने देखा है कि 15-20% के अराउंड अगर आपका बैटरी रहता है लावा अग्नि 2 के अंदर में, ये इनिशियली नहीं था, ये बाद में जाकर के देखने को मिला है। 15-20% के अराउंड जब आपका बैटरी होने वाला है तो अचानक से मतलब 20% से 0% तक जाने में लावा को टाइम नहीं लगता है, मतलब पागलों के जैसा बैटरी सूप करके एकदम सीधा नीचे चला जाता है, जो कि मुझे लगता है कि अगेन ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है। अब ब्रांड ने यहाँ पे देखिए आपके और हमारे फरमाइश पर यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग वाला तो फीचर इनेबल कर दिया, मतलब डायलर ही चेंज कर दिया। अब किसी भी तरह की गूगल आंटी यहाँ पर नहीं बोलने वाली है दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, बट ये डायलर पुराना है जो कि अगेन मेरे लिए एक कंसर्न है कि भाई आपने ये चीज़ फीचर तो ऐड कर दिया, बहुत ही मल्टीपल वेज थे, बहुत ही मल्टीपल मेथड्स थे, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ एक पुराना डायलर दे दिया जो कि डेफिनेटली थोड़ा आपको यूसेज में प्रॉब्लम आने वाली है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यही सेम यूआई को लेकर के अगर मैं कैमरा के अंदर बात करूं तो कैमरा पहले जान लेते हैं क्या क्या यहाँ है। 50 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इस फोन में ना ही आपको OIS है ना ही EIS है। रेयर कैमरा से आप यहाँ पर 4K 30fps तक यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट में आपको फुल HD 30fps का रिकॉर्डिंग मिलता है। अब कैमरा इज नॉट दैट एक्सेलेंट, बट हाँ अगेन 22,000 रुपये के प्राइसिंग में अगर मैं देखने जाऊँ तो फोन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इमेजेस वगैरह डिसेंट इमेजेस वगैरह निकाल के देता है। काफ़ी बार थोड़ा व्हाइटिश जैसा यहाँ पर दिखता है, मतलब व्हाइट टोन कुछ ज़्यादा लगता है कि इसके अंदर डाल दिया गया। कलर अगेंस यहाँ पर बूस्टेड आते हैं जैसा डिस्प्ले के अंदर मिलता है, सेम आपको यहाँ पर कैमरा के इमेजेस में भी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो की क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक आपको मिल जाती है। फोन के अंदर जो कैमरा का जो यूआई है, यूआई बहुत ही बेकार है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। यहाँ पे ये कंप्लीट यूआई एक पुराना वाला है और ये पुराने एंड्रॉइड्स में जो आता था सेम यहाँ पर उठा करके लावा ने कैमरा के अंदर ये चीज़ पुट ऑन किया। बट अगेन आई विल से कैल अप्रिशिएट कि लावा ने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी की है जो बेहतरीन की है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। अब एंड्रॉयड 13 यहाँ जो एप्लीकेशन आपको सॉफ्टवेयर जो मिलता है एप्लीकेशन रन करने में, बैकग्राउंड मेमोरी की अगर हम बात करें, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता है और LPDDR4X, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको हेल्प करेगा एक स्मूदर एक्सपीरियंस देने में। सॉफ्टवेयर में कोई भी इस तरह का मुझे बग्स नहीं लगा जो कि डे टू डे यूसेज में आपको परेशान करेगा। और एंड्रॉयड 13 काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बग फ्री है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जीरो ब्लोटवेयर्स, जो कि मुझे लगता है कि भाई लावा ने लिटरली सरप्राइज किया, मतलब दैट इज़ रियली ग्रेट। और हमें चाहिए क्या, इसी प्राइस सेगमेंट में आता है रियलमी 11 प्रो आता है जो कि 24,000 रुपये के अराउंड प्राइसिंग है उसकी, और उसमें भी डायमेंसिटी 7050 आपको प्रोसेसर मिलता है। अब ये चीज़ थोड़ा समझने वाली चीज़ है, देखिए दोनों ही प्रोसेसर्स की अगर हम बात करें तो अंतुतु स्कोर्स में जब देखिएगा तो लावा अग्नि 2 के जो अंतुतु स्कोर्स आते हैं वो रियलमी 11 प्रो से कम आते हैं। ये मैं फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया और बट मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अंतुतु स्कोर्स कम आया है जबकि रियलमी 11 प्रो में ज़्यादा है। तो ये सीधा सवाल यहाँ बताता है कि आपका बेटर ऑप्टिमाइजेशन रियलमी 11 प्रो के अंदर मिलता है, लेकिन डे टू डे यूसेज में जब मैंने इस फोन को इस्तेमाल किया तो मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है लावा अग्नि 2 में। अब बात कर लेते हैं ये लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आए हैं इस वीडियो में जानने के लिए। Realme 11 Pro भी इसी सेगमेंट में आता है, लावा अग्नि 2 भी आता है इसी सेगमेंट में। डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि इंडियन ब्रांड है, काफ़ी बढ़िया काम लावा ने यहाँ पे किया है। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या क्या चीज़ें लावा के अंदर मिलती है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहला चीज़ जीरो ब्लोटवेयर्स, किसी भी तरह का ब्लोटवेयर्स नहीं है, नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपका यूसेज एक्सपीरियंस को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल ले जाने वाला है। प्रीमियम आपको यहाँ पर इनहैंड फील मिलेगा, डेफिनेटली मुझे लगता है Realme 11 Pro से ज़्यादा बेटर प्रीमियम आपको लावा लगने वाला है। कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह पीछे काफ़ी बढ़िया है और जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर है जो कि Realme 11 Pro लावा को बीट नहीं कर सकता है वो है इसका डिस्प्ले की क्वालिटी। लावा अग्नि 2 के अंदर जो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको मिलती है दैट इज़ एज़ आई सेड यू Vivo V27 Pro के जैसा यहाँ पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी मिलती है। अब लंबी रेस का घोड़ा, ब्रांड यहाँ बोल रही है कि अपडेट्स देंगे, डेफिनेटली देगी ब्रांड आपको अपडेट। तो लॉन्गर रन में अगर गेमर नहीं है, गेमिंग्स वगैरह खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो आपके लिए एक परफेक्ट डिवाइस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक एवरेज एक डिसेंट प्राइस पर प्रीमियम एक्सपीरियंस यहाँ पर
फील करने के लिए। तो लावा अग्नि 2 मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप लेते हैं तो लंबी रेस का घोड़ा ये बनेगा, बट बाकी मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स जैसे मैंने आपको बताया, बैटरी ड्रेनेज 20% का जो अचानक से गिरता है उसको फिक्स कर दे लावा, यहाँ पे यूआई कैमरा यूआई थोड़ा सा चेंज कर दे, और डेफिनेटली यहाँ पर वाईफाई का जो कनेक्टिविटी वाला जो थोड़ा इशू है उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दे। तो ओवरऑल मसाला अगर मैं देखने जाऊँ तो लावा अग्नि 2 इज़ अ गुड प्रोडक्ट जो कि लंबी रेस का घोड़ा आराम से 3 साल तक तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। प्रोसेसर, रैम, रोम टाइप, बैटरी, चार्जर सब कुछ एक्सेलेंट मिलता है। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।